चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के। संतलाल जी, हमारे ककराला गांव के सभी सम्मानित हमारे बंधुओं, हमारे प्यारे बच्चे सामने बैठे हुए हैं। आज विशेष रूप से हमने इस सड़क का टेंडर छूट चुका है। ये सड़क बनवानी है मोहनपुर से ककराला, और कल इसका अखबार में भी टेंडर का आ लिया, और टेंडर 27 तारीख को ओपन हो जाएगा। तो इस सड़क के बारे में आए हैं कि हमारी ये चार सड़कें मैं लास्ट में देखकर आई थी, वो चारों भी मंजूर हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो गई और टेंडर पर लग गई। तो उस खुशी में आज हम यहाँ पर आए हैं, और सुनील के मकान को अब सीधा आप आओगे तो सड़क के ऊपर आओगे आप, तो ये आपको सबको फायदा होगा। और जो ही ककराला का नाम आया, हमने मोहनपुर से ककराला देखी नहीं थी, मैंने कहा दो रास्ता तो ककराला का पहले निकाल चुकी हूँ राख है, तो ये भी मैंने कहा और निकालो। तो ये बहुत अच्छा सरकार ने कार्य किया है, और जो सरकार के कने चिट्ठी भेज दई माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐसा आशीर्वाद रहा कि उन्होंने देखते ही वो कार्य पूरा किया है। और भाई ककराला की ढाणी ढाणी में घूमी थी सारा, इन्होंने भी बहुत प्यार दिया और बहुत काम किया है। और इसमें जो कोई, मुझे नहीं लगता कि 5 साल में हमने बहुत काम करा, मुझे खुशी है ये बात कहते हुए। ककराला से कनेना वाली रोड कई दिन से लंबित पड़ी थी, उसका भी हो चुका है, और वो जल्दी ही, जो जगदेव कई बार कहा कर तो उसका भी चौड़ाई है वो बढ़कर उसका भी हो जाएगा। तो मोटे मोटे काम जो सड़कों के जोड़ने के थे वो हो गए, और बड़ा पंचायत भवन भी जिसे नॉलेज सेंटर कहते हैं वो भी ककराला गांव को दिया है, व्यायामशाला का कार्य भी शुरू हो गया है। और तो मैं यही कहूंगी, जब आदर्श गांव करना है तो अपनी जमीन और तैयार रखियो, आगे जो इंस्टीट्यूशंस होगी वो सेलंग की तरिया यहाँ पर कर देंगे। आज ककराला गांव में सुनील एडवोकेट के निवास स्थान पर मैं आई हूं। हमने मोहनपुर से ककराला पीडब्ल्यूडी रोड का हमने शुरुआत की है, और इसका निर्माण है वो जल्दी ही शुरू हो जाएगा। टेंडर इसका 27 तारीख को ओपन हो रहा है। हमने चार सड़कें दी थी, सरकार ने चारों मंजूर करकर और उनको टेंडर पर लाकर कर दिया है आचार संहिता से पहले ही। और आज हम इसीलिए लोगों के सामने ककराला गांव में आए थे। यहाँ पे लोगों ने, युवाओं ने बताया कि यहाँ पे क्रिकेट का खेल का ग्राउंड नहीं है, वो लोग भी उम्मीद कर रहे हैं, तो इसके बारे में मुझे, मैं ये कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने एक व्यवस्था का परिवर्तन किया, और हमने सारे वर्ग को ऊंचा लाने का प्रयास किया है। अंतिम व्यक्ति विकास की गति में ऊपर आए, ये सरकार का प्रयास रहा है। सबका साथ सबका विकास एक पर्याय बना है यहाँ पर। हमने युवाओं के लिए पारदर्शिता नीति अपनाई है, ताकि मेरिट में हमारे बच्चे आए। और आपके सामने ही यहाँ कोका गांव का सरपंच कह रहा था कि हमारे गांव से 35 बच्चे आए,
इसी तरह से ककराला गांव से आए, हर गांव से बच्चे काफी संख्या में आए हैं। मैं हमारे बाछोद का जिक्र करूं तो 52 बच्चे बाछोद के सेलेक्ट हुए हैं और हर गांव से ये रिकॉर्ड हुआ है। ये व्यवस्था का परिवर्तन की कहानी है और इसी तरह से युवाए आगे आए, व्यायाम करें, आगे बढ़े। हम हर गांव में व्यायामशाला बना रहे हैं और ककराला गांव में भी व्यायामशाला का निर्माण शुरू हो चुका है। 20 व्यायामशाला हमारे अडेली क्षेत्र में कुछ बन गई है, कुछ पर कार्य जारी है। तो इस तरह से हम हमारे कई गांवों में जिम हमने खोली है। हमने लेडीज के लिए भी ओपन जिम खोलने का शुरुआत की है और इस तरह से ये भी व्यवस्था का परिवर्तन है। 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो लंबे समय से आ रहे थे, जो गड्ढे भरे हुए थे, उनको भरने का कार्य किया है और अब व्यवस्था का परिवर्तन है। इस पर मंजिल अब तैयार होगी। हम इस प्रदेश को बहुत आगे लेकर जाना चाहते हैं और अटेली क्षेत्र के प्रति तो मेरा जुनून है। अब मैं ये कहना चाहूंगी कि हर गांव को हम आदर्श गांव बनाना चाहते हैं, हर गांव आगे बढ़े, ये हमारा निर्णय है, उद्देश्य है और यही कारण है कि सबका साथ सबका विकास के कारण ही सबका विश्वास माननीय मनोहर लाल जी ने जीतने का कार्य किया है। धन्यवाद।